राजधानी भोपाल आए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कहा है कि सरकार है तो महंगाई है। मोदी सरकार में सुई से लेकर खाने के तेल महंगे हुए हैं, गरीब मजदूर दाल नहीं खा पा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर श्रीनिवास ने कहा है कि पेट्रोल पंप का नाम नरेंद्र मोदी वसूली केंद्र और अमित शाह का डीजल रखना चाहिए। वहीं श्रीनिवास ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार कम बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने। बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी। सर, महंगाई के मुद्दे को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और आखिर महंगाई ही मुद्दा आगे क्यों आप लेके चल रहे हैं? देखिए, अभी बीजेपी सरकार है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी सरकार है तो महंगाई है, शिवराज सिंह चौहान सरकार है तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। आप सुई से लेके हर चीज में महंगाई है। अब सरसों के तेल देख लो कितना बढ़ गया, दाल देखो, गरीब मजदूर लोग किस तरीके के सुकून से रोटी और दाल खाते थे, आजकल वो लोग दाल भी नहीं खा सकते क्योंकि तो 200 रुपए बना के रख दिया। किसी के पास पैसे नहीं है तो इनको सरकार को करना चाहिए था, सबके खाते में 6-6 हजार रुपए न्याय स्कीम इनको डालना चाहिए था गरीब मजदूर के पास। किसी के पास पैसा नहीं है उस पर भी इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई करके रखा है, शर्म आना चाहिए इस सरकार को। और पेट्रोल, पेट्रोल पंप का ही नाम बदलना चाहिए, पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल डालने नहीं जा रहा है, टैक्स भरने जा रहे, वसूली केंद्र। नरेंद्र मोदी पेट्रोल, अमित शाह डीजल, स्मृति ईरानी गैस रखना चाहिए। क्यों? उस समय में जब यूपीए सरकार होता था 50 पैसा बढ़ता था, 1 रुपए बढ़ते थे, सारे सड़क पे आके ड्रामा करते थे। यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाया, भूल गया है इनको। कांग्रेस शासित जो प्रदेश है सर, वहाँ पे भी स्थिति यही है अमूमन कि जो अगर हम देखें पेट्रोल की स्थिति कुछ 2-4-5-10 रुपए कम होंगे, लेकिन महंगाई वहाँ पे भी है। दाल की स्थिति देखें तो वहाँ पे भी महंगी है, तो सिर्फ यही टारगेट क्यों किया गया? यही मीन्स देश में सबसे ज्यादा राज्य शासन बीजेपी का है, केंद्र सरकार चाहे तो यूं 1 मिनट में डिसीजन ले सकता है, तो राज्य सरकार भी तो चाह सकती है ना? नहीं, बट सरकार क्या कर रहा है ये भी देखना आपको। तो ये थे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे आज तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा करेंगे। राकेश के साथ अतुल शर्मा, स्वाद एक्सप्रेस, भोपाल।